मेरा नाम रमीज़ है और मैं आर्किटेक्ट भी हूँ प्लस इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप पेंटिंग्स वगैरह की ज़रूरत होती है, प्लस कुछ हर बायर जो होता है, क्लाइंट होता है, उसको कुछ इनोवेटिव चाहिए होता है। तो इन चीज़ों से ये जो पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत का काम है, हैंडमेड भी होता है प्लस मशीन वर्क भी होता है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी मोस्टली डिमांड होती है जो पढ़े लिखे क्लाइंट होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो वो जब आते हैं तो उनकी स्पेशल डिमांड होती है। वो अपने घरों में इसकी डिस्प्ले मांगते हैं जिसके अंदर इस्लामिक वर्सेस ज़्यादा होते हैं, प्लस फिर कुछ लोगों की डिमांड होती है जो पेंटिंग्स वगैरह का होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्टूडेंट्स की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। स्टूडेंट्स आते हैं, उनको अपनी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए फ्रेमिंग चाहिए होती है, असाइनमेंट चाहिए होती है। मैं फॉरेन में भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ जिसमें इन पेंटिंग्स का, ये जो बैकग्राउंड में पेंटिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, इनका काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि ये हैंडमेड क्राफ्टिंग जो है ये हमारे जोन में अभी है। बाहर मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा एडवांस वो है, टेक्नोलॉजी है, वो मशीन वर्क करते हैं, बट हैंडमेड की जितनी डिमांड यहाँ से जितनी सप्लाई है, आई थिंक दुनिया में किसी इसकी जगह पे नहीं है। हैंडमेड वर्कर, हैंडमेड आर्ट जो है वो पेशावर, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान स्पेशल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी की जब डिमांड बढ़ गई है तो मशीन वर्क ज़्यादा हो गया है, बट आई थिंक हुकूमत को इस तरफ भी तरजीह देनी चाहिए। जो हाथ से काम होता है, जो क्राफ्टमैन है, उनको अप्रिसिएशन होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, प्लस उनको इनक्रेजमेंट हुकूमत को चाहिए कि वो इनको इनक्रेज करें ताकि इस आर्ट को ख़त्म होने से बचाया जा सके। ये चीज़ कम से कम होती जा रही है। अगर हुकूमत थोड़ी सी अपनी सपोर्ट देती है और अपना थोड़ा सा नज़र देती है इस चीज़ पर, तो आई होप कि हम लोग इस चीज़ को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। इधर काफ़ी लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें इस्लामिक भी है, पेंटिंग्स भी हैं, कैलीग्राफीज़ भी हैं, हैंडमेड पेंटिंग्स भी हैं, पोस्टर्स भी हैं। तो लोग अपने घरों के लिए, डेकोरेशन के लिए मुख्तलिफ हमसे चीज़ें ले जाते हैं, शादी ब्याह के गिफ्ट वगैरह के लिए, किसी को प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी लोग हमसे चीज़ें ले कर जाते हैं। और तकरीबन हमारी दुकान काफ़ी पुरानी है, जिसकी वजह से हमारा पेशावर में काफ़ी अर्से से काम चल रहा है।